नरवाल में बदोमली के एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाले हाफिज शमसुद्दीन के तमाम बच्चों के हाफिज कारी और अलमदीन बनने पर घर में खुशी का समा, वालदैन की अल्लाह का शुक्र और असाज़ा को दुआएं। वहां पर कैसे मनाजिर हैं जानते अपने नुमाइंदे सईद अहमद से, जी सईद बताएगा क्या मनाजिर हैं वहां पर और क्या कहते हैं बच्चों के वालदैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल वाठामाला के नवाही गाँव शोरकोट के एक मजहबी घराने में और मेरे साथ मौजूद है हाफिज शमसुद्दीन साहब। इस मजहबी घराने में इनके बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाफिज कारी और आलिम हैं। आज जामे अशरफिया लाहौर में बसिलसिला तकमील बुखारी शरीफ में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है मुनाकिद हुई और इस खुशकिस्मत घराने से दो बच्चे जिनमें मौलाना जहीर अहमद शमसी और मौलाना कासिम साहब ने दरसे निजामी का कोर्स मुकम्मल किया। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं इनके वालिद मोहतरम हाफिज शमस साहब, मैं उनके तासरात लेना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी हाफिज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र गुजार हूँ जिसने मुझे ऐसा दिन दिखाया कि इस दिन मेरे दो बच्चों ने दरसे निजामी का कोर्स मुकम्मल किया और इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी ने भी दरसे निजामी का कोर्स मुकम्मल किया है। तो इन तीनों बच्चों बच्चे और बच्चियों के लिए मेरे लिए बहुत खुशी का बास है और मैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र गुज़ार हूँ वहां मैं इन बच्चों के असातिज़ा का भी शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे बच्चों पर मेहनत की और दस्त शफकत रखा। आज उनकी मेहनत की वजह से मेरे बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं अपने बाकी तमाम भाइयों से भी ये अपील करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को दीन की साइड पे लगाएं ताकि आपकी दुनिया भी अच्छी बन सके और आखिरत में भी कामयाबी मिल सके। जी बिल्कुल, इनके वालिद मोहतरम हाफिज शमस साहब का कहना है कि मैं बहुत खुश हूं और असाज़ा कराम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और असाज़ा कराम का मशकूर हूँ और मेरा ये पैगाम है कि मेरे दोस्त मुझे सुनने वाले आप भी अपने बच्चों को दरसे निजामी और दीन की तालीम की तरफ रागब करने की कोशिश करें। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर सईद अहमद, सिटी न्यूज़, नारोवाल।